सो हे गाइस, मैं अंजू तोमर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अपनी आईब्रोज़ को करने वाली हूँ एंड मैंने अभी 5 से 6 महीने पहले ही अपनी आईब्रोज़ को बनाना शुरू किया था विद दी हेल्प ऑफ दिस रेजर। एंड मैं जिस तरह से मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी आईब्रो को किया था इसकी हेल्प से, तो मैं सेम वैसा ही आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया था एंड मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। और मैं उसी को यूज़ करती हूँ अब तो नहीं, क्योंकि अब मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ, अब मुझे आइडिया लग चुका है कि मैं मुझे अपनी आईब्रोज़ को कैसे करना है। बट जब मुझे इस रेज़र की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को बनाने का कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या मैं सही से बना पाऊँगी, कर पाऊँगी अपनी आईब्रोज़ या नहीं, तब मैंने वो ट्रिक आजमाई थी एंड मुझे उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और होप आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा एंड आप भी अपने घर पर बैठकर खुद से ही इस रेज़र से अपनी आईब्रोज़ को बना पाओगे एंड आपको पार्लर और किसी भी आंटी वांटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी आईब्रो क्रिएट की थी इससे, तो मैंने जस्ट किया क्या था, मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया था विद दी हेल्प ऑफ किसी भी आईब्रो पेन से, आईब्रो पेंसिल से या कोई भी आईब्रो किट से। मैंने अपनी पूरी आईब्रो को पहले बनाया था, देन उसके बाद मैंने उसी जो मेरी जिस भी शेप में आपने मैंने अपनी आईब्रोज़ बनाई थी उसी शेप को मैंने फॉलो किया एंड इससे कर दिया, इससे बना लिया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। जैसी आईब्रोज़ मुझे चाहिए थी सेम वैसी ही मिली। तो मैं अभी अपनी आईब्रो बनाऊंगी यहाँ पे एंड देन देखते हैं, मैं उसको वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बनी है। सो, सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को क्रिएट कर लेती हूँ इन 3 सेकेंड। तो मेरी आईब्रोज़ बन गई है एंड अब बारी है इसको रेज़र की हेल्प से। मैंने थोड़ी डार्क बनाई है अपनी आईब्रोज़ ताकि मुझे बिल्कुल विजिबल हो मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो अब इसको हम कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लूँ क्या? सो, मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लूँगी ताकि आप अच्छे से देख लो किस तरह से मैं कर रही हूँ। सो यस, सो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ इस वाली आँख से। मेरे नाक पे ये दाग को बिल्कुल इग्नोर करें, पता नहीं ये कब कहाँ से कैसे आया है और मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत जल्दी चले जाएँ। सो यस, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। वो मैं क्या करूँगी कि मैं सेम कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने इन लाइन अपने आउटर लाइन और आउटर अपर लाइन और लोअर अपर लाइन को फॉलो करना है एंड यू डन। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ से आपको अपना एंगल देना होगा ना, वहाँ पे आप मेरे अकॉर्डिंगली बाद में ही करें, पहले आप अपनी आईब्रोज़ को आगे पीछे से ही कर लो। तो मेरी आईब्रोज आगे से और यहाँ से तो हो गई है, अब बचा क्या है, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ध्यान से करना है ताकि मेरी आईब्रोज ख़राब ना हो। सो I think it's done एंड मैं आपको दिखाती हूँ।
मैं आपको रिज़ल्ट बाद में दिखा पाऊँगी जब मैं इसको वॉश कर लूँगी। अभी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं जब की तरफ पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर वॉश करके मैं आगे आपको दोनों अच्छे से दिखा दूँगी। ओके, सो मेरी दोनों आईब्रोज क्रिएट हो चुकी हैं एंड मैं वॉश करके आती हूँ अपनी आईब्रोज को, देन आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। बाय। सो मैंने अपना फेस भी क्लीन कर लिया है और आईब्रोज बहुत अच्छे से क्लीन हो गई हैं एंड अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ, मेरी आईब्रोज किस तरह से रेडी हुई हैं, तैयार हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। सो यस, मैं थोड़ा सा क्लोज कर लूँगी वापस से ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये था मेरा फाइनल रिज़ल्ट, आई होप आपको पसंद आया हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट पे मुझे बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है एंड आप यूज़ करने वाले हो या नहीं ये ट्रिक। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।